चिकसनमिहाई ने ना कई सारी न्यूरोबायोलॉजिकल रिसर्चेस करी, जिससे उन्हें ये चीज समझ में आई कि आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो उसके अंदर जितने ज्यादा फ्लो के ट्रिगर्स मौजूद होंगे उतना तेजी से आप फ्लो स्टेट को एंटर कर पाओगे, उतना ज्यादा डीपर लेवल में इंजॉय कर पाओगे, उसमें काम कर पाओगे। इनफैक्ट मिहाइल ने 50 साल तक फ्लो के ऊपर रिसर्च करी है और इतनी रिसर्च करने के बाद उन्हें 4 ट्रिगर्स मिले हैं जो सबसे पावरफुल है आपका फ्लो स्टेट अचीव कराने में हेल्प करने के लिए। जो ऑथर बोलते हैं ना कि अगर पांचों के पांचों ट्रिगर्स आप अपनी एक्टिविटी में डाल दोगे तो गारंटीड आप फ्लो स्टेट में जाओगे ही जाओगे। क्या है वो 4 ट्रिगर्स? वेल, उसे ऑथर 4F से समझाते हैं। 4F है जिसमें से पहला F स्टैंड करता है फोकस के लिए। फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए आपके पास एक क्लियर फोकस्ड गोल होना चाहिए, सिर्फ एक क्लियर गोल, उसके अलावा सब चीज आपके माइंड से गायब होनी चाहिए ताकि आपका अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट और आपको फ्लो स्टेट अचीव करना है, बट आपके दिमाग में यही क्लियर नहीं है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका कौन सा चैप्टर याद करना है, इस चीज की क्लैरिटी नहीं है, इस चीज में ही फोकस नहीं है, तो आप फ्लो स्टेट अचीव करना आपका मुश्किल है क्योंकि आपका पास क्लियर गोल ही नहीं है कि मेरे को क्या एग्जैक्टली अचीव करना है। एक एथलीट अगर चेस खेल रहा है तो उसके दिमाग में गोल होता है कि मुझे चेस खेलना है, सामने वाले को हराना है, बस दैट्स इट। वो टाइम पे वो क्रिकेट, फुटबॉल, अपनी पढ़ाई, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है सिर्फ और सिर्फ चेस के बारे में और उसे चेस को जीतने के बारे में, तभी वो बेस्ट परफॉर्म कर पाता है। ऐसी आपको भी फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए एक क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली अचीव क्या करना है। फिर आ जाओ सेकेंड एफ पे जो है फ्रीडम। आपके पास फ्रीडम भी होना चाहिए काम करने के लिए, ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो, बिकॉज जब भी रिस्ट्रिक्शंस आते हैं हमारा दिमाग अपने बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब भी आप नोटिस करो हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हम दिल खोल के बात करते हैं, हम घंटों बात कर लेते हैं और बातें करने में हम फ्लो स्टेट में आ जाते हैं और हमारा कई सारा टाइम निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कभी हमारे घर पे कोई रिलेटिव आ जाता है या कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके सामने हम खुले हुए नहीं होते हैं, हम खुल के बात नहीं कर पाते हैं, तब उनसे बात करने जाओ तो एक एक मिनट एक एक घंटे बराबर लगने लग जाता है। क्यों? अगेन, क्योंकि दोस्तों के साथ हम खुल के बात कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है जो चाहिए वो बोलने की, बट रिलेटिव्स के साथ, पेरेंट्स के साथ कई बार वो फ्रीडम हमारे पास नहीं होती है, जिसकी वजह से हम हिचकिचाते हैं और फ्लो स्टेट अचीव नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली जो भी काम आप करना चाहते हो ना उसके अंदर ऑथर बोलते हैं एटलीस्ट स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में आप अपने आप को जितना हो सकता है उतना फ्रीडम दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको राइटिंग करनी है तो स्टार्टिंग के 20 मिनट में ज्यादा सोचो मत कि एग्जैक्टली आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस मत डालो, सिर्फ लिखो फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। जैसे एक बार लिखना स्टार्ट करोगे उसके बाद आप दूसरी चीजों पर फोकस करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो भी देखो, ये फाइट है बेन विटेकर और खालिद ग्रेडिया की, आप देखोगे कि कैसे एक एक पंच को डॉच कर रहा है और कितना ज्यादा चिल्ड है। आप बोल सकते हो ये फाइटर फ्लो स्टेट में है, क्यों? क्योंकि वो चिल्ड है, उसने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाल के रखी है अपने दिमाग में कि अब भी मेरे को पंच मारना ही मारना है, अब भी एक मिनट में इसको नॉकआउट करना है, उसने अपने आपको फ्री कर दिया है, फ्री मूवमेंट ही उसे ये फ्लो दे रहा है। देखो फ्रीडम इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके साथ थर्ड एफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो है फीडबैक। गैलप ने हजारों US वर्कर के ऊपर रिसर्च करी थी जहां मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को उनके काम पे बिल्कुल फीडबैक नहीं देते थे। इससे उन्हें पता चला ना 98% टाइम ऐसा हुआ ना कि एम्प्लॉयज फुल्ली फोकस होके काम नहीं कर पा रहे थे, फ्लो स्टेट अचीव नहीं कर पा रहे थे। अब आप बोलोगे ये ऐसा कैसा, इसको तो काफी फ्रीडम मिली है तो इनको तो फ्लो स्टेट आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। एक और चीज फ्लो स्टेट में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फीडबैक। कई बार ना जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमें पता नहीं चलता है कि हम वो काम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो हम फ्लो स्टेट अचीव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक गेम खेल रहे हो, आप नोटिस करना कई बार गेम खेलते खेलते हम बहुत अच्छे फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि गेम में हमको फॉरन फीडबैक मिलता है। अगर हम लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अगर बॉस से लड़ रहे हैं, अगर अच्छे से लड़ रहे हैं तो बॉस का खून कम होते जाएगा, उसकी लाइफ कम होती जाएगी, मतलब फॉरन फीडबैक मिलता रहेगा। लेकिन अगर हम खराब खेल रहे हैं तो हमारी लाइफ कम होती जाएगी, हम मरने लग जाएंगे, मतलब डायरेक्टली हमें फीडबैक मिलता जा रहा है जिसकी वजह से हमारे अंदर और इंटरेस्ट आता है उस फीडबैक के बेसिस पे कि चलो और अच्छा खेलते हैं, और अच्छे से मारना है, इस बॉस को खत्म करना है। ऐसे ही अगर आप एक न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो और अगर कोई ऐप है जो आपको इमीडिएटली फीडबैक दे सकता है कि आप प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप क्या क्या गलती कर रहे हो, वो आपको फीडबैक देने लग जाएगा, तो आपको न्यू लैंग्वेज सीखने में ज्यादा मजा आएगा कंपेयर टू अगर आप सिर्फ ऐसे ही सीखते रहो और कोई आपको बता रहा ही नहीं है कि आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, तब भी फ्लो स्टेट अचीव कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऑथर बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में 20 मिनट अपने आपको फ्रीडम देने के बाद ये जरूर ट्राई करना कि आपको फीडबैक भी मिले, जिससे आप राइट डायरेक्शन में फ्लो स्टेट की तरफ आगे बढ़ सको। और फिर लास्ट एफ, फोर्थ एफ आता है 4% चैलेंज के लिए। समझो आपको एक जॉब मिला है, आपका जॉब है कि आपको एक बॉल उठाना है और उसको एक बास्केट में डालना है जो आपके बाजू में ही है।
अब ये काम बताओ कितना इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, कितना मजा आएगा ये काम करने कि एक बॉल सिर्फ एक जगह से उठाना है और दूसरी जगह पे आपको डालना है। ये चैलेंजिंग नहीं है तो आप बोर हो जाओगे बहुत जल्दी। ऑन द अदर हैंड चलो आपको वापिस एक वही जॉब मिलता है, अब आपको बॉल को है ना 5 किलोमीटर दूर एक बास्केट रखा हुआ है वहां पर फेंक के उस बास्केट में डालना है, ये आपका जॉब है। अब बताओ वो वाला जॉब करने भी आपको मजा आएगा? वेल नहीं आएगा, आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्योंकि आपसे वो हो ही नहीं पाएगा। बट अगर ऐसा हो कि आपका जो बॉल बास्केट में आपको डालना है ना वो बास्केट आपसे सिर्फ थोड़ा दूर रखा है और आपको वहां पे फेंक के डालना है, और जैसे ही आप उस बास्केट में डाल देते हो फिर वो बास्केट थोड़ा और दूर हो जाता है, इसके बाद वो बास्केट और दूर हो जाता है, और फिर आप वापस से डालते हो फिर वो और दूर हो जाता है। मतलब वो जो काम है वो आपको चैलेंज करता जा रहा है, आपको बार बार अपना काम करने के लिए बेटर होना पड़ रहा है। जैसी ये चीज होती है ना चैलेंज, वैसे ही हमारे फ्लो स्टेट को अचीव कर पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन गेम्स का एग्जांपल दूं तो आप नोटिस करना, अगर आप कोई भी गेम खेलो अगर वो बहुत इजी है तो मजा नहीं आएगा, अगर वो बहुत टफ है तो भी मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर वो गेम सिर्फ इतना टफ है कि आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ पा रहे हो प्रोग्रेस कर पा रहे हो तो आपको वो गेम खेलने बहुत मजा आएगी। मैं भी रिसेंटली गोस्ट ऑफ सुशीमा गेम खेल रहा था PS4 पे, जो मुझे बहुत पसंद आया। आपका फेवरेट गेम कौन सा है आउट ऑफ द टॉपिक है कमेंट करके बता देना। खैर बट ये बात तो है, फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए आपको चैलेंज रहना भी बहुत जरूरी है। ये थे वो 4 F।